ठीक है तो टू और को मैं कंपेयर कर सकता हूं इनमें से क्या बड़ा है क्या छोटा है यूजिंग जो भी अभी हम देखेंगे ठीक है तो जैसे मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं क्या लिस्ट को भी कंपेयर कर सकता हूं तो दैट इज वॉट वी आर वी विल बी टॉकिंग राइट नाउ ओके सो जैसे आप लोग को पता है कि हमारा क्लास इलेवेंथ का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल नाइन्थ चैप्टर चल रहा है एनसीआर का विच इज लिस्ट

ठीक फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है फिर लेस देन इक्वल्स टू है तो ये मेरे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं इन ऑपरेटर्स को मैं नंबर्स के साथ लगा सकता जैसे आप लोगों ने पढ़ भी रखा है है तो ग्रेटर ग्रेटर देन देन क्या करता ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंट इज ग्रेटर देन द राइट मतलब अगर लेफ्ट ऑपरेंट अगर सपोज मैंने यहाँ पे किया होता एट इज ग्रेटर देन तो क्योंकि एट बड़ा है सेवन से तो ये मुझे आंसर क्या दे देगा ये मुझे आंसर दे देगा ट्रू ठीक है एक्चुअली यहां मैं लिंक करता हूं उसको तो ये मुझे आंसर क्या दे देगा दे ये मुझे आंसर दे देगा ट्रू

अगर इसी में रिवर्स कर दू मैं इसी में ये कह दूं कि एट इज लेस देन सेवन तो ये मुझे दे देगा कि नहीं यार, 8 तो नहीं है से तो ये फॉल्स दे देगा मुझे राइट right? उसी तरीके से मेरे पास एक है, equals to equals to. ये चेक करता है ठीक है थीके? कि लेफ्ट और राइट right वाले ट्रू है बराबर है कि नहीं तो इक्वल टू ट्रू इफ इक्वल तो सपोज मैंने अगर कहा सेवन इज इक्वल टू इज इक्वल टू सेवन तो ये मुझे ट्रू दे देगा और अदर दे दे हैंड अगर मैंने कहा सेवन इज इक्वल टू इज इक्वल टू सिक्स फॉल्स दे देगा ये बराबर नहीं है समझ में आया तो दिस इज द थिंग जो हम करना चाह रहे हैं ऐसे ही नॉट इक्वल्स टू आ गया आपके पास नॉट इक्वल्स टू क्या करता है ये चेक करते हैं कि बराबर नहीं है तो ट्रू देगा ठीक है सो नॉट इक्वल्स टू ट्रू इफ आर नॉट इक्वल तो सपोज मैंने यहाँ पे सेवन इज नॉट इक्वल्स टू सेवन डाला तो ये मुझे क्या दे देगा ये ट्रू नहीं देगा ये फॉल्स देगा क्योंकि ये इक्वल है ना ये नॉट इक्वल टू चेक कर रहा है तो सेवन क्योंकि इक्वल है साथ के तो ये ऑपरेटन मतलब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है पर अगर इसी की जगह मैंने सेवन इज नॉट इक्वल टू एट डाला होता तो ये मुझे क्या देता ये मुझे दे देता कि हाँ यार सात आठ के बराबर नहीं तो है तो ये अनईक्वल है तो ट्रू हो गया ऐसे ही अब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू को मैं मिक्स कर सकता हूँ हेल्प ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल तो मैंने अगर कहा एट इज ग्रेटर देन सेवन तो ये टू देगा कि हाँ यार एट बड़ा है सेवन से इवन मैंने अगर एट इज Equals टू एट करा तो ये मुझे देगा हाँ, यार eight, eight के बराबर भी है है ठीक अगर मैंने इसी की जगह अगर अगर लिख देता है ना अगर eight is greater than nine, तो ये मुझे आंसर देता, ये मुझे क्या तो, समझ माया। ऐसे देन के साथ है कि अगर मैंने लिखा seven is less than, suppose eight, तो ये मुझे ट्रू देगा कि हाँ यार सात छोटा है आठ से सही है अगर मैंने लिखा कि सेवन इज लेस देन सपोज सेवन ठीक है

तो हम देख रहे हैं कंपेरिजन ऑफ लिस्ट सो वी कैन कंपेयर टू लिस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड कंपेरिजन ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन जैसे कि है मतलब दैट इज लेस लेस देन 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 ग्रेटर ग्रेटर टू 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 नॉट एक्सेट्रा ठीक है एक्सेट्रा नहीं एक्चुअली यही होते हैं तो ये एक्सेट्रा तो नहीं आएगा यहां पर ठीक है ना पाइथन इंटरनली कंपेयर्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट एंड टपल्स इन लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर अब ये लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर का क्या मतलब है भाई

जैसे सपोज मेरे पास दो एलिमेंट्स है ठीक है ए डी ओ एक सपोज है ए डी ओ ठीक है और एक है मेरे पास ए डी आई ई यू ठीक है अब मैंने कहा कि ओ और डी आई ई सॉरी यू को मैं कंपेयर कर रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा तो हमें पता है कि ए डी ओ बाद में आता है ए डी आई ई यू पहले आता है क्या होता है लेंथ में बड़ा है इसमें एक दो तीन चार पांच एलिमेंट है इसमें एक दो तीन है तब भी तीन वाला बाद में आ रहा है और पांच वाला पहले आ रहा है ऐसा क्यू एडी बाद में आ रहा है एडीआई पहले आ रहा है ऐसा क्यों तो यार ये होता है लेग्सिकोग्राफिकली ऑर्डरिंग की वजह से ठीक है वजह से रीजन क्या तो ग्राफ मतलब डिक्शनरी में जब आप अरेंज कर रहे हो तो डिक्शनरी में कैसे अरेंज करते हो आप एलिमेंट्स को तो डिक्शनरी में आप अरेंज करते हो विद हेल्प ऑफ व्हाट विद हेल्प ऑफ एलिमेंट्स मतलब एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते हो लेंथ से फर्क नहीं पड़ता आपको आपको एलिमेंट से फर्क पड़ता है आप एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते हो और जो भी छोटा मिल जाता है वो पहले आ जाता है जो बड़ा होता है वो बाद में आता है

तो ओ और आई में क्या बराबर है या क्या बड़ा है क्या छोटा है तो डी लिखिए सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ क्या मिला आपको मिला आई और ओ क्या पहले आ रहा है आई पहले आ रहा है तो क्योंकि ये आई पहले आ रहा है तो ये वर्ड पहले आ जाएगा फर्क नहीं पड़ता ये खत्म हो जाएगा इसके बाद ये फर्क नहीं पड़ता ये ये तीन कैरेक्टर्स का है वो पांच कैरेक्टर्स का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई छोटा है हमने एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर किया क्योंकि छोटा है तो I पहले आ जाएगा और एडीओ बाद में आएगा कुछ इसी तरीके से हम लिस्ट में भी का काम करते हैं जब हम लिस्ट में कंपेयर कर रहे होते हैं तो कुछ हम यही काम कर रहे होते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ए डी आई पहले आएगा डिक्शनरी में और फिर आपका ए डी ओ आएगा समझ में आया तो ऐसे ही कुछ आपका पाइथन में भी होता है जो अभी हम देखेंगे चिंता मत करिए ठीक है तो नेक्स्ट है आपका इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर तो अगर आप दो लिस्ट में इक्वल टू नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाओगे तो क्या होगा तो पहले कुछ पॉइंट नोट करेगा वी कैन चेक फॉर द इक्वालिटी ऑफ टू लिस्ट ऑफ इक्वल लेंथ ठीक है तो हम इक्वालिटी चेक कर सकते हैं इक्वल लेंथ का मतलब कि अगर दो लिस्ट इक्वल लेंथ की है पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल होंगी। मतलब सेम होगी तो दो लिस्ट, दो लिस्ट तो हो, इक्वल तो हो जाए पर अगर सपोज किसी भी एक में चार हो जाए इसमें मैं कहता हूं कि चार एलिमेंट होगा तो यार ये हो ही नहीं सकता बराबर हो जाए इक्वल हो जाए बराबर ही नहीं मतलब पॉसिबल ही नहीं इफ दे आर ऑफ अनुअल देर अन एक अगर इक्वालिटी चेक करनी है इक्वालिटी पॉसिबिलिटी रखनी है आपको तो यह सेम लेंथ की होनी चाहिए तभी यह बराबर हो सकती है ठीक है तो फिलहाल ये सेम लेंथ की सपोज सो ईच एलिमेंट विल बी कंपेयर एंड इफ ईच आर इक्वल देन बुलियन वैल्यू तो हर एलिमेंट को हर एलिमेंट को मतलब सपोज पहले ये लिमिट उठा जाएगा फिर मतलब इसको इससे कंपेयर किया जाएगा फिर इसको इससे कंपेयर किया जाएगा फिर इसको इससे कंपेयर किया जाएगा तो इंडिविजुअली हर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और अगर वो इक्वल निकले तो बुलियन वैल्यू कुछ हमें ऐसे रिटर्न होगी कैसे तो ट्रू विल बी रिटर्न ट्रू रिटर्न होगा आपने ये वाला टू टू ऑपरेटर यूज किया है नॉट इक्वल टू में फॉल्स रिटर्न होगा मतलब सिंपल सी बात आप कह रहे हो कि क्या ये लिस्ट बराबर है तो अगर हर एलिमेंट बराबर है तो डेफिनेटली आप कहोगे हाँ यह बराबर है ट्रू आ जाएगा आंसर तो ट्रू आंसर मिल जाएगा पर अगर आपने ये कहा कि यार ये एलिमेंट ये लिस्ट कैस के बराबर है, है ना आपने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगा रखा है

ठीक है मतलब अगर सपोज मैं एक बात बताऊ क्या मैं वन को कंपेयर कर सकता हूं क्या कंपेयर कर सकता हूं क्या ए के साथ कि कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं कर सकता ना इनकम्पेरेबल ऑब्जेक्ट है वन को ए से कंपेयर नहीं कर सकता पर कर सकता ठीक है इक्वालिटी और अनइक्वालिटी के लिए कर सकता हूं ठीक है अगर हर एलिमेंट बराबर होगा तो ट्रू मिलेगा नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा यहां हमें दिख रहा है कि यार ये कंपेरेबल ही नहीं है इनको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते तो हम इसको कहते हैं कि अनईक्वल ठीक है ठीके? तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप इनकंपेरेबल ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो आपका हमेशा आंसर आएगा अगर वो इक्वल है अगर सॉरी हमेशा आपका आंसर आएगा नॉट इक्वल अगर आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा फॉल्स नॉट इक्वल टू यूज करो तो आपका आंसर आएगा ट्रू ठीक है ये भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो चिंता मत करो है ना प्रैक्टिकली चीज दिखाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास लेस देन ग्रेटर देन देन लेस टू और ग्रेटर देन टू ऑपरेटर ठीक है तो ये हम देखना चाह रहे हैं ठीक है तो वट आर दीज ठीक है सो टू लिस्ट कुड बी कंपेयर ऑफ एनी लेंथ फॉर दीज ऑपरेटर्स तो यहां पे अच्छी बात ये है कि आप लेस देन ग्रेटर देन देन लेस इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर्स के लिए चेक कर सकते हो किसी भी लेंथ के लिए फर्क नहीं पड़ता क्या लेंथ है जैसे डिक्शनरी में था ना कोई भी लेंथ फर्क नहीं पड़ता ऐसे यहां पर भी फर्क नहीं पड़ता ऑल तो इससे पहले वाले में भी आप किसी को भी कंपेयर कर सकते थे किसी भी लेंथ को पर केस ये था कि वो हमेशा ही अनइक्वल आएंगे तो वो चीज मैं बताना चाह रहा था यहां पे सारी पॉसिबिलिटी इवन ऑफ अनुल लेंथ पॉसिबिलिटी सारी है ठीक है हर किसी में भी ट्रू किसी में भी फॉल्स आ सकता है ठीक है पाइथन गिव्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ नॉन इक्वालिटी एज एज इट गेट्स अ रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम फ्रॉम कंपेयर फ्रॉम कंपे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेरिजन ओके ठीक है तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पाइथन जो है फाइनल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है नॉन इक्वालिटी कंपेरिजन का मतलब नॉन इक्वालिटी मतलब जो इक्वल नहीं है ठीक है एज सुन एज द रिजल्ट ट्रू फॉल्स आ जाए फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेरिजन तो हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा जैसे ही आपको पता चलेगा कि एक भी एलिमेंट के है ट्रू या फॉल्स है तो आपको आंसर मिल जाएगा If corresponding elements are equal, it goes on to the next element and so on until it finds elements that differ. तो जैसे जैसे बराबर मिलता जाएगा ये आगे बढ़ता चला जाएगा और तब तक आगे बढ़ता चला जाएगा जब तक इसको जो है एक unequal situation नहीं मिल जाती

आप चेक कर रहे हो ग्रेटर देन इसके साथ किसके लिए वन टू ठीक है और यहां पे सपोज है आपका फाइव और यहां पे सपोज है ठीक है तो वट वी आर यहां यहां के के बजाय बजाय आप कर लो. क्या? यहां four के कर लो लो क्या इसे प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा चिंता मत करो बट एक एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूं तो जैसे आप इसका चेक कर रहे हो इक्वालिटी ठीक है quality, तो एक बात का ध्यान रखना यहां पे चेक कैसे होगा इक्वालिटी हम हर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे इन दोनों को कंपेयर किया क्या बराबर है बिल्कुल बराबर है तो हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही एक भी एलिमेंट बराबर मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे हम इस पे टू पे तो तो टू को टू के से चेक किया क्या बराबर है है बिल्कुल तो आगे बढ़ो फिर फिर हम आगे थर्ड एलिमेंट पे थ्री और फाइव को चेक किया क्या ये बराबर है हमें मिला नहीं भाई ये बराबर नहीं है थ्री और फाइव बराबर नहीं अब चेक किया जाएगा क्या थ्री बड़ा है क्योंकि हम ग्रेटर देन का साइन देख रहे हैं क्या बड़ा है से तो हाँ यार थ्री बड़ा है फाइव से है क्या नहीं है ना तो थ्री फाइव से बड़ा नहीं है तो सबसिक्वेंट एलिमेंट्स का एक भी एलिमेंट बड़ा या छोटा मिल जाए जैसे अनइक्वल मिले उसी के बेस पर डिसीजन ले लिया जाएगा और आंसर फॉल्स मिल जाएगा अब यही आप ग्रेटर की जगह लेस देन यूज कर सकते हो तो क्या थ्री बड़ा है फाइव से तो ये फॉल्स आंसर आपका चेंज हो जाएगा ट्रू में हाँ यार थ्री छोटा है फाइव से बड़ा नहीं है समझ में आया अब इसी में इक्वल्स टू आप कह सकते हो तो फाइनली आपका ये आपको मैं पूरी, तो चिंता मत करो इसकी। समझ में आया चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे चलते हैं फॉर कंपेरिजन ऑपरेटर्स ग्रेटर टू लेस इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू लिस्ट मस्ट बी ऑफ कंपेरेबल टाइप्स अदरवाइज पाइथन विल गिव एरर मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स इनके लिए इन सब एलिमेंट्स के लिए जो हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होने चाहिए वो कंपेरेबल टाइप्स के होने चाहिए अगर कंपेरेबल नहीं है तो आपको एरर देखने को मिलेगा मतलब अगर आपने वन कॉमर टू कॉमा थ्री को कंपेयर करने की कोशिश करी किसके साथ ए के साथ बी के साथ सी के साथ तो डेफिनेटली आपको एरर देखने को मिलेगा भाई मैं वन को ए से कैसे कंपेयर करूं पहले नहीं हारता इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में नहीं आरता अब आएगा कि वन को ए से कैसे कंपेयर करूं नहीं कर सकते हम कंपेयर तो यहां आपको देखने को मिल जाएगा क्या यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एरर ठीक है तो अगर आप इन इनकंपेबल ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको एरर मिलेगा भले ही आप यहां पर स्ट्रिंग अच्छा नंबर्स को नहीं देख रहे हैं अपन? हम नंबर्स को नहीं देख रहे हैं, हम टाइप को देख रहे हैं अगर यहीं पे ये वन ये, ये या फिर स्ट्रिंग के अंदर टू लिखा होता तो वन को हम क्या स्ट्रिंग वाले टू से कंपेयर कर सकते थे आंसर इज अगेन नो हम वन को स्ट्रिंग वाले टू से भी कंपेयर नहीं कर सकते रीजन क्या भाई ये इंटेजर है ये स्ट्रिंग है इंटेजर स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर कर रहा आप नहीं कर सकते ठीक है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो नंबर उसके अंदर अगर टाइप्स अलग है तो कंपेयर नहीं कर सकते ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहां पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना दू तो ये yes, इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को मैं डेफिनेटली कंपेयर कर सकता हूं इस नंबर के साथ तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंपेयर कर सकता हूं इंटेजर के साथ पर स्ट्रिंग को नहीं कर सकता इंटेजर के साथ स्ट्रिंग को नहीं कर सकता फ्लोट के साथ तो वो सब चीजों का ध्यान रखिएगा या ले को कंपेयर नहीं कर सकता एक आ, इंटेजर के साथ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है तो हमेशा ध्यान रखना जो इनकम्पेरेबल ऑब्जेक्ट्स है उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता इन ऑपरेटर्स की मदद से आपको एरर देखने को मिलेगा पर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू केस में आपको एरर नहीं देखने को मिलेगा हमेशा नॉट इक्वल देखने को मिलेगा कि वो इक्वल नहीं है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है समझ में आया ठीक है तो यार ये अपना थियरटिकल डिस्कशन अभी यहीं तक था ठीक है आ जाओ चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा डिटेल में सारी पॉसिबिलिटीज जो जो एग्जिस्ट कर सकती है ना सारी पॉसिबिलिटीज आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आ जाओ चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन ताकि हम इसका प्रैक्टिकल डिस्कशन कर सके ठीक है आ जाइए ओके गाइस सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे हम दो लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं ठीक है तो फटाफट शुरू करते हैं तो यहां एक नया फोल्डर बना लूंगा ठीक है जिसका नाम दे दूंगा कंपैरिजन ऑफ लिस्ट ठीक है लिस्ट का कंपैरिजन और यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ पे राइट right क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूंगा मतलब इस फोल्डर के अंदर वी कोड को ओपन कर लूंगा ठीक है इसको मैक्सिमाइज कर लूंगा इसको बंद कर दूंगा ठीक है और इसके अंदर हम एक नई फाइल बना लेंगे विच इज़ पाइथन फाइल सो पाइथन अंदर फाइल डॉट पी वाई ठीक है पाइथन फाइल डॉट पी वाई तो पाइथन फाइल बना ली हमने राइट right? अब यहाँ हम देखने वाले हैं कंपेरिजन ऑपरेटर लिस्ट पर कैसे काम करते हैं ठीक है तो पहले तो देख लेते हैं हम यार किन की बात कर रहे हैं ठीक है तो पहले तो हम कंपेरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं ठीक है सो ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास भाई सो so, ऑपरेटर्स हमारे पास तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू राइट तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्चुअली टाप दबाते हैं आसान ही रहेगी इक्वल्स टू राइट इक्वल्स टू हो गया एक तरीके से राइट right? फिर नेक्स्ट हो गया फिर नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ठीक है दिस इज नॉट इक्वल्स टू एक्चुअली बार बार सजेशन आ रहा है हम इस सजेशन को खत्म ही कर सकते हैं कमेंट डाल के और ये ऊपर ओके 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 इंपोर्ट गया चक्कर दिक्कत हुई ठीक है दिस इज डन राइट और अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे कमेंट देते ही चले जाएंगे और फिर लिखेंगे हम इसमें सो नॉट इक्वल्स टू हो गया फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया ठीक है तो ये क्या हो गया भाई आपका ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू राइट और ये क्या हो गया ये हो गया लेस देन और इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू ठीक है और फिर हो गया ग्रेटर देन ग्रेटर देन और फिर हो गया बस लेस देन ग्रेटर देन लेस देन लेस देन or equals टू ग्रेटर देन और इक्वल टू not equals to equals to समझ में आया तो ये होगा आपके ऑपरेटर्स भाई अब हम इन ऑपरेटर्स के ऊपर ही कहानी देखने वाले हैं कि क्या-क्या तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई equals to से equals to और not equals to से ठीक है तो सबसे पहले जो कहानी हम देखने वाले हैं वो equals to एंड not equals to की है. not equals to की राइट right? चलिए तो फिर हमने दो लिस्ट बना ली L1, एक लिस्ट बना ली ठीक है जिसको मैंने एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फो कम फाइव राइट फिर मैंने एक लिस्ट बना ली एल टू जिसको मैंने एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए फिर से वन कामा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कम फाइव ठीक है नाउ वी आर चेकिंग कि क्या ये इक्वल है ठीक है तो हम चेक क्या करना चाह रहे हैं हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं प्रिंट ठीक है अच्छा यहाँ पे मैं ये भी आपको दिखाता जाऊँगा कि किसको हम चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ ये बनाना हमें ज़रूरी है कि हम किसको चेक कर रहे हैं ठीक है तो ये पेस्ट हुआ ठीक है इक्वल्स टू हम चेक कर रहे हैं ये ठीक है और यहाँ डाल दूँगा ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू बी ठीक है सॉरी ए बी तो है ही नहीं यार एल वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू एल टू इज दट फाइनल ओके शेल बी रन इट ओके लेट्स सी सो वी आर चेकिंग कि क्या आपका ये लिस्ट इसके बराबर है तो आंसर इज ट्रू ठीक है कि वन वन के बराबर देखो होता क्या है हर एलिमेंट को चेक किया जाएगा वन वन के बराबर है बिल्कुल है टू टू के बराबर है बिल्कुल है थ्री थ्री के बराबर है बिल्कुल है फोर फोर के बराबर है बिल्कुल है फाइव फाइव के बराबर है तो ये ट्रू है ये इक्वल्स है राइट ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं नॉट इक्वल टू इसी पर नॉट इक्वल टू परफॉर्म करूँ तो इसी को कॉपी करूंगा ठीक है नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करूंगा ठीक है और मैं यहाँ डाल दूँगा नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू और एक्चुअली में कुछ होना चाहिए इसको इंडिकेट करने के लिए ठीक है डैश डैश ठीक है आई थिंक दिस वुड वर्क लेट्स सी सॉरी सो so, ये लिस्ट बराबर है बिल्कुल है ट्रू है क्या ये नहीं बराबर है नहीं यार ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये बराबर दिख रही है ये बराबर दिख रही हैं तो अगर आप नॉट इक्वल टू रन करोगे तो फॉल्स आ जाएगा राइट क्योंकि बराबर दिख रही है तो ये डेफिनेटली फॉल्स आ जाएगा समझ में आया अब देखो जैसे हमने यहां पे देखा अब अगर मैं इसमें ही लेंथ अनईक्वल कर दूं तो जैसे हमने कहा कि दो दो लिस्ट इक्वल कब होती हैं जब उनकी लेंथ इक्वल होती है अगर उनकी लेंथ अनिकवल हो जाती है तो वो लिस्ट अन एकवल हो जाती है ठीक है तो जैसे मैं इसी को कॉपी करूंगा ठीक है इसी को कॉपी करूँगा कंट्रोल प्लस सी कमेंट आउट भी कर दूंगा ठीक है और हम नेक्स्ट लाइन में चलेंगे ठीक है एंड व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसमें एक एलिमेंट सिक्स और ऐड कर दूँगा बस ठीक है तो हम बेसिकली कहाँ पे लिस्ट वन में ऐड कर रहे हैं तो इसमें एक एलिमेंट सिक्स भी ऐड हो गया इसमें एक एलिमेंट सिक्स भी ऐड हो गया ठीक है तो एलिवन में एक एलिमेंट सिक्स एड हो गया हम चेक कर रहे हैं कि क्या इक्वल टू वाले में या नॉट इक्वल टू वाले में किसम क्या आता है बाकी एलिमेंट सही है वन से फाइव तक इक्वल है वन से फाइव तक इक्वल है बट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है इसमें सो so, लेंथ अगर डिफर करेगी तो आपका सिचुएशन उल्टी हो जाएगी ठीक है कि अगर लेंथ अन है मतलब वन को वन से चेक किया बराबर है टू टू से चेक किया बराबर है थ्री थ्री से फोर फोर से फाइव फाइव से बट सिक्स से कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्योंकि लेंथ अन है तो आंसर आ गया फॉल्स की इक्वल नहीं है ठीक है पर नॉट इक्वस टू का आंसर आ गया ट्रू कि ये बराबर नहीं है क्या हाँ यार बराबर नहीं है तो आंसर आ गया ट्रू क्योंकि लेंथ अनइकवल है तो अगर लेंथ अनइक्वल है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है सोचना ही नहीं है हमेशा मार्क करके आना रहा अनइक्वल ठीक है हमेशा मार्क करके आना रहा अनइक्वल सो अनिक्वल के सिचुएशन में आ जाएगा ट्रू और इक्व टू के सिचुएशन में आ जाएगा फॉल्स सिचुएशन समझ में आया तो जस्ट टेक दैट ओके अब इसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करेंगे हम अपनी ठीक है किस सेंस में तो L1 को को थोड़ा सा चेंज करेंगे एक्चुअली L1 को हम सेम रखते हैं L2 को थोड़ा सा चेंज करते हैं ठीक है तो L2 को हम क्या चेंज करने वाले हैं लेट्स सी तो L2 को मैं डालने वाला हूं एक स्ट्रिंग मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ठीक है उसमें हम सिचुएशन देखने वाले हैं। मतलब हम देखने वाले हैं कि अगर यहां पे एलिमेंट्स अलग हो जाए फिर क्या होता है मतलब अलग अलग टाइप के हो जाए तो सपोज मैंने फिर टाइप करके दिखाता हूँ फिर देखते हैं अपन इसको ठीक है ये हो गया टाइप सो वट आई एम इज कि हमारे पास दो लिस्ट है L1 और L2 पर L1 में नंबर्स है L2 में नंबर्स नहीं है अब आपको लेंथ लेंथ भी तो हम बराबर कर देते हैं डोंट वरी ठीक है लेंथ हम बराबर कर देते हैं ए बी सी हो गया तो यहां पे आ गया डी फिर यहां पे आ गया ई e, ठीक है और आई थिंक सो नाउ दे आर इक्वल राइट वन टू थ्री फोर फाइव फाइव एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव फाइव एलिमेंट्स ए बी सी डी ई सो आई थिंक दिस इज डन तो अब हम चेक कर रहे हैं दो इक्वल लेंथ हैं पर अलग अलग एलिमेंट्स है वन को ए से कंपेयर कर रहा हूँ टू को बी से थ्री को सी से फोर को डी से फाइव को ई से डेफिनेटली नहीं कर सकता तो एरर आना चाहिए एक से जब कंपेयर आप नहीं कर सकते तो एरर आना चाहिए पर क्या एरर आएगा तो वो देखते हैं तो आंसर इज एरर नहीं आएगा भाई रन हो जाएगा मतलब जब आपने वन को ए से इक्वेट किया आपको दिख गया A के बराबर नहीं है तो इसने एरर थ्रो नहीं किया इसने कहा नहीं है बराबर तो करो, तो तो फॉल्स फॉल्स आंसर आंसर करो आ गया ना कि एरर आया अगर आप अनकंपेरेबल अनकंपेरेबल इनकंपेरेबल एक्चुअली नहीं इनकंपेरेबल ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स क्योंकि कंपेयर ही नहीं हो सकते वन को ए आप कंपेयर कैसे करोगे नहीं कर सकते वन को ए से कंपेयर तो जब वन को ए से कंपेयर नहीं कर सकते तो आंसर आ गया फॉल्स के इक्वल नहीं है पर नॉट इक्व टू का आंसर ए आ गया क्योंकि यार वन और ए को कंपेयर ही नहीं कर सकते मतलब ये इक्वल नहीं है ठीक है मतलब एक्चुअली जब कंपेयर ही नहीं कर सकते तो कायदे से सेलन आना चाहिए हमें इसे कंपेयर ही नहीं कर सकते ट्रू फॉल्स का आंसर दे ही नहीं सकते राइट पर इक्वल्स टू और नॉट इक्वल टू की सिचुएशन में क्या होता है ऐसा नहीं होता है कि भले ही आप इसको कंपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते हो अगर नहीं कर सकते हो तो आपको इसको कम्... ये कहना है कि ये अनइक्वल है इक्वल नहीं -equal है अन इक्वल है ये आपको कहना है आप कोई चक्कर में नहीं जाना कि हम इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते ठीक है वो नहीं कहना है आपको कहना है कि अनईक्वल है कि इक्वल ही नहीं दैट यू हैव टू से ठीक है तो जब भी आप अनकंपेरेबल ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने की कोशिश करते हो तो आंसर आपका एरर में नहीं आएगा आपका जो है जो भी आप चाह चाह रहे हो वो आएगा मतलब ट्रू फॉल्स आंसर आएगा बुलियन वैल्यू आएगी तो अगर अनकंपेरेबल ऑब्जेक्ट्स को आप कंपेयर कर तो ऑलवेज आपका आंसर क्या आएगा अनइक्वल आएगा ठीक है कि वो लिस्ट हमेशा अनइकवल है क्लियर है समझ में आया चलो बढ़िया थोड़ी सिचुएशन और चेंज करते हैं ठीक है थोड़ी सिचुएशन और चेंज करते हैं हम्म आई थिंक सो ये कॉपीड थर्ड बट नो इट्स नॉट वर्किंग बट इट विल वर्क डोंट वरी ओके अब हम थोड़ी से अपनी जो है कम, वो कंपेरिजन उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं अब हम इसमें राधा मतलब इसी में चेंज कर रहे हैं क्या चेंज कर रहे हैं कि राधा देन हम ए बी सी को कंपेयर करेंगे कर। हमें दिख रहा है यार वन को हम ए से कंपेयर नहीं कर सकते दैट इज फाइन वन को ए से कंपेयर नहीं कर सकते टू को बी से कंपेयर नहीं कर सकते थ्री को सी से कंपेयर नहीं कर सकते बट वॉट इफ अगर मैं ये कहूँ कि मैं ऐसा कर ही नहीं रहा हूं मैं वन को ए से या वन को बी से कंपेयर कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो क्या कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूं कि मैं वन को वन से कंपेयर करूँ बट वो स्ट्रिंग के फॉर्म में फिर क्या होगा भाई स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा Hmm? Tell me. What do you think? What should be थिंक answer? यस yes, आपने खुद ही आंसर कर दिया ठीक है क्या कि जब यार भाई स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो कंपेयर कैसे करोगे भले ही वो ए हो या वन हो बट डेटा टाइप मैटर करता है वो वन जो है ए से कंपेयर नहीं, नहीं कर सकते थे वो, वो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ए है वो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वो स्ट्रिंग है

इंटेजर को इंटेजर वैल्यू है इसको हम स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं कर सकते दिस इज द रीजन कि इसका आंसर फॉल्स आया है और इसका आंसर ट्रू आया कि नॉट इक्वल्स टू जो हम कह रहे तो ये नॉट इक्वल्स टू है तो ट्रू आंसर आया मतलब सिंपल सी बात कि भाई दो अलग अलग टाइप्स है इनकम्पेरेबल है आप इंटेजर को स्ट्रिंग से कैसे कंपेयर कर रहे हो इंटेजर को स्ट्रिंग से कंपेयर करोगे तो अनइक्वल ही आएगा ना भाई समझ में आया तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है कि इस सिचुएशन में आपको फंसना नहीं है ठीक है तो हमेशा नंबर्स नहीं देखना कि स्ट्रिंग के अंदर क्या आपको ये देखना है कि वो कंपेरेबल है कि नहीं ठीक है एक चीज और देखता हूं मैं कि मैंने आपको वाली चीज दिखाई नहीं दिखाई ओके okay. एक चीज और दिखाता हूं सपोज हमने देखा कि यार ये स्ट्रिंग इनकम्पेरेबल है सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं भाई आगे और भी सिचुएशन इनकम्पेरेबल आपको दिखेंगी पर वो वर्क करेगी ठीक है जैसे कि सपोज अब मैं ये कहूं कि मैं इसी को अनकमेंट करता हूं मैं अगर ये कहूं कि अब मैं इसको ही चेंज कर रहा हूं ठीक है ऐसी को चेंज कर रहा हूं ठीक है अब मैं यहां डाल रहा हूं वन कॉमा टू कॉमा थ्री पर फोर्थ इंडेक्स पे फोर्थ इंडेक्स पे सॉरी फोर्थ एक्चुअली थर्ड इंडेक्स पे क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है ना जीरो फर्स्ट सेकंड, थर्ड इंडेक्स पे फोर्थ एलिमेंट में मैं नंबर डालने के बजाय स्ट्रिंग डाल दे रहा हूं फोर कॉमा फोर के ठीक है, फिर यहां पे डाल दे रहा हूं फाइव ठीक है एक्चुअली सॉरी में में ये नहीं, five डाल देता तो so कि अब ये सिचुएशन हो रही है कि वन वन है टू टू है थ्री थ्री है इस लिस्ट को फोर फोर की लिस्ट को फोर से कंपेयर कर रहा हूं इस फाइव को फाइव से कंपेयर कर रहा हूं देन वॉट वुड बी दिचुएशन ठीक है उसको देखते हैं यार तो देखो यार अगेन वही हुआ क्या हुआ कि जब हमने वन को वन से कंपेयर किया तो ट्रू है टू को टू से किया ट्रू है सही है इक्वल है थ्री को थ्री से किया इक्वल है पर फोर को जब आप इसे इस फोर से कंपेयर कर रहे हो तो यार ये क्या है ये तो एक लिस्ट है इस इस को से कैसे कंपेयर कर रहे हो कर ही नहीं सकते कर नहीं सकते फर्क नहीं पड़ता नहीं कर सकते हो हमेशा आंसर फॉल्स हो जाएगा तो फोर को आप इस लिस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते तो आपका आंसर क्या हो गया फॉल्स हो गया तो यही से आपका रिटर्न हो गया फॉल्स हो गया आगे फाइव पे बढ़े ही नहीं अपन

ठीक है, खाली फोर छोड़ दिया नॉलेट सी विल वैपन खाली फोर छोड़ा तब भी आपका आंसर क्या फॉल्स आ रहा है रीजन क्या वन को वन से कंपेयर किया टू को टू से कंपेयर किया थ्री को थ्री से कंपेयर किया पर जैसे ही मैंने इस फोर को इस फोर से कंपेयर किया तो ये फोर बराबर है ये फोर इस फोर के बराबर है अगेन ये फोर इस फोर के बराबर है पर जैसी स्ट्रिंग नहीं पड़ता कि अंदर क्या है यहाँ पे अंदर four है, है, four है, ठीक तो ये लिस्ट है तरीके से तो जब भी आप इंटेजर को लिस्ट से तो आपका आंसर हमेशा मतलब इनकम ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने की कोशिश करोगे आंसर हमेशा वन को वन से किया तो सही है कोई

इसको कॉपी करूंगा कमेंट आउट करूंगा नेक्स्ट लाइन में आऊंगा और इसको पेस्ट करूंगा और हम वही इस एलिमेंट्स को चेंज करेंगे ठीक है ठीक है नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट कंपेरेबल ऑब्जेक्ट मतलब वेराइटी डालूंगा ठीक है कंपेरेबल की अगर मैं यहां वन कर दू टू कर दू थ्री पॉइंट जीरो कर दू फोर पॉइंट जीरो कर दू फाइव पॉइंट जीरो कर दू अब यार मैथमेटिकली हमें पता है कि ये बराबर है राइट वन वॉइट जीरो के बराबर है टू टू पॉइंट जीरो के बराबर थ्री थ्री पॉइंट जीरो के बराबर है फोर फोर पॉइंट जीरो के बराबर है फाइव फाइव पॉइंट जीरो के बराबर है वी नो दैट वेरी वेल ठीक है that, well. हमें मैथमेटिकली पता है कि ये बराबर है पर वॉट डू यू थिंक जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा इनकंपेरेबल ऑब्जेक्ट हैं क्या क्या अच्छा टाइप्स uh, अलग अलग है ये इंटेजर्स की लिस्ट है ये ये अंदर क्या है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो आपको ये सोचना है क्या इंटेजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कंपेरेबल है सो आंसर इज है तो इसका आंसर प्रॉपरली जो होता है वही आएगा वच मीन वन को वन पॉइंट जीरो से कंपेयर किया आंसर आया ट्रू यस yes, ये इक्वल है One को वन पॉइंट जीरो से कंपेयर किया आंसर आया ट्रू टू को टू पॉइंट जीरो से कंपेयर ट्रू थ्री को थ्री पॉइंट जीरो से आंसर आया ट्रू फोर को फोर पॉइंट जीरो से कंपेयर किया ट्रो फाइव को फाइव पॉइंट जीरो से कंपेयर किया आंसर आया ट्रू क्योंकि पूरे एलिमेंट्स बराबर है इक्वल है तो आंसर आ गया फाइनली ट्रू ऑन द अदर हैंड यहां पर हमने सारे एलिमेंट्स कंपेयर कर लिए क्योंकि सारे एलिमेंट्स बराबर है तो नॉट इक्वल टू का आंसर आ गया फॉल्स समझ में आया मतलब लिस्ट में अगर लेंथ बराबर पहले तो लेंथ पे कहानी देखनी है आपको अगर लेंथ बराबर है तो आप आगे बढ़ोगे लेंथ अगर बराबर नहीं है तो सीधे सीधे कहोगे फॉल्स ठीक है थीके? इसके बाद अंदर देखोगे अगर कोई भी एलिमेंट आपको देखता है कि वो इनकम्पेरेबल है कंपेयर नहीं कर सकते आप सीधे सीधे आंसर करोगे फॉल्स ठीक है एक भी एलिमेंट आपको इनकंपेरेबल दिख फिर उसके बाद क्या करोगे अगर सपोज सारे एलिमेंट सेम टाइप के हैं या फिर कंपेरेबल है मतलब सेम या तो इंटीजर इंटीजर ही हो या फिर कंपेरेबल हो इंटीजर फ्लोट रख दिया मैंने सपोज तो अगर कंपेरेबल है तो एक एक एलिमेंट को चेक करोगे अगर एक एक एलिमेंट बराबर है हर एलिमेंट बराबर है तो आप क्या कहोगे तो आप कहोगे कि हाँ इक्वल टू वाले सिचुएशन में आंसर आएगा ट्रू नॉट इक्वल टू वाले फॉल्स अदरवाइज हमेशा वाइस एवर से रहेगा आई होप इसके साथ आपको इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाली कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी ए टू जेड एंड आई होप दैट ठीक है कि वो क्लियर हो गई होगी ठीक है राइट तो बहुत डिटेल में देख लिया टू नॉट इक्वल टू अब हम देखने वाले नेक्स्ट आने वाले अपने ऑपरेटर्स विच इज सॉरी जब मैंने इसको पूरा डिलीट ही मार दिया तो वाई मैंने इसको क्यों कॉपी पेस्ट मारा आई डोंट नो चलो कोई बात नहीं लेट्स प्रोसीड तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे क्या है ग्रेटर देन लेस देन फिर ग्रेटर देन इक्वल टू फिर लेस देनवल टू दीज आर माई फोर ठीक है तो जरा देखते हैं यार अब इसकी कहानी थोड़ी सी आपको मैं समझाऊंगा एक एक एलिमेंट को कंपेयर करने के बाद ठीक है तो अगेन एक ए लिस्ट बनाऊंगा मैं विच इज इनिशियली वन कामा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर ठीक है फिर एक्चुअली इसको ए नहीं है मैं एल एस वन ही बनाता हूँ तो क्योंकि ऊपर वाले को तो कमेंट कर ही दिया ना सो लिस्ट वन है ये एल एस वन है और फिर नेक्स्ट बनाऊंगा एल एस टू लेस्ट टू एल एस टू हो गई आपकी लेस्ट टू हो गई और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाला और अभी फिलहाल बनाया फाइव कामा फोर अभी आप ये समझ लो बस फाइव कॉमा फोर है ठीक है बस ये समझ लो अभी ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं प्रिंट करने वाला हूँ प्रिंट और ऊपर वाला भी प्रिंट है कॉपी पेस्ट मार लूंगा ठीक है दिस वॉज वर्किंग वेल उसको अनकमेंट कर दूंगा एक्चुअली इस लेस्ट को उठाऊंगा कॉपी करूंगा यहाँ पेस्ट करूंगा ठीक है इस लिस्ट उठाऊंगा कॉपी करूंगा यहां पेस्ट करूंगा ओके ये एल टू लिखा होता है ठीक है L1 एल टू लिखते हैं अपन पर, पर अब हम इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं कर रहे हैं। हम दूसरा ऑपरेटर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज

यस यू गॉट दैट राइट कि कि आंसर क्या आएगा एलवन एक्चुअली में यस yes, छोटी है तो आंसर क्या आएगा आंसर आएगा ट्रू लेट्स सी तो देखो आंसर आ गया ट्रू समझ में आया आंसर क्या आ गया आंसर आ गया ट्रू नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कि ट्रू क्यों भाई आंसर तो बहुत सिंपल सा रीजन है इसका क्या कि जब हम इसमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब हमने वन को फोर फाइव से कंपेयर किया वन को जब हमने फाइव से कंपेयर किया तो हमने देखा यार वन फाइव से छोटा है मतलब तो लेंथ से फर्क नहीं पड़ता क्या लेंथ है लिस्ट की क्या लेंथ है दोनों की फर्क नहीं पड़ता हमें एलिमेंट वाइज कंपेयर करना है पर अगर मुझे इनिशियली बराबर दिखा होता तो मैं आगे बढ़ता कि हाँ, चेक करता length, पर यहां पे तो फर्क ही नहीं पड़ा पहला एलिमेंट छोटा है तो हमने कहा ट्रू है यारे? सही आंसर ठीक है पर अगर मैं इसी में थोड़ी सी कहानी चेंज करूंगा और अब इसमें थोड़ी सी क्वालिटी लाते हैं ठीक है चीजों को और डिटेल में समझने के लिए थोड़ी सी क्वालिटी लाते हैं ठीक है तो एक्चुअली मैं क्या करूंगा मैं इसको ही पूरा चेंज कर दूंगा पहले तो तो मैं यहाँ डाल दूंगा वन कॉमा टू कॉमा एट कॉमा नाइन सपोज ठीक है और यहां पर भी मैं लिस्ट चेंज कर दूंगा और यहां मैं डाल दूंगा सपोज वन क्योंकि 1 1 के बराबर है कॉमा सॉरी 1 कॉमा एक्चुअली कॉमा 2 क्योंकि 1 1 बराबर 2 2 बराबर है ठीक है ठेके? पर अब 8 के बजाय मैंने डाल दिया 5 और फिर यहां डाल दिया 1 ठीक है लेट्स सी व्हाट विल हैपन ठीक है तो इसका पहले आंसर देखते हैं फिर इसको समझाऊंगा आपको क्या तो आंसर आ गया फॉल्स रीजन क्या वो देखना तो सबसे पहले 1 को हमने चेक किया वन को हमने चेक किया वन के साथ क्या वन वन के बराबर है बिल्कुल है यार तो जैसे ही हमें एक भी एलिमेंट बराबर दिखा तो हम आगे बढ़ जाएंगे मतलब पह, स्टार्टिंग से शुरू किया हमें एक एलिमेंट बराबर दिखा तो हम आगे बढ़ गए तो हमें फर्स्ट एलिमेंट वन वन के बराबर दिख गया तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट एलिमेंट पे चले सेकंड एलिमेंट पे तो सेकंड एलिमेंट टू टू को मैंने कंपेयर किया क्या टू और टू बराबर है बिल्कुल है तो मुझे सेकंड एलिमेंट भी बराबर दिख गया तो जैसे सेकंड एलिमेंट बराबर दिखा हम आगे चल दिए तो हमें दिखा एट और फाइव अब मैं कह रहा हूं एट छोटा है फाइव से

फर्क नहीं पड़ता इस बात से क्योंकि हमें एट ही छोटा दिख गया फाइव से मतलब जैसे एक एलिमेंट -एक दिखा यार ये है, बड़ा है तो हमारा आंसर आ गया भाई फॉल्स ये बराबर नहीं है समझ में आया ये बराबर नहीं है ठीक है समझ में आया भले ही नेक्स्ट वाला छोटा हो अब इसी में आप सिचुएशन और चेंज कर सकते हो क्या ठीक है अब थोड़ी सी सिचुएशन में ये चेंज करूंगा कि अब मैं वही वन टू है है ना एट और फाइव ही है पर अब मैंने क्या किया कीपिंग दिस नाइन आई एम सेइंग कि यार ये हो गया मेरा ठीक है ये क्या हो गया ये सिक्स हो गया ठीक है मतलब हम क्या कर रहे हैं और एक्चुअली में इसको भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि वन बहुत बड़ा है ठीक है इसको भी चेंज कर लेते हैं इसको एट कर लेते हैं इसको नाइन कर लेते हैं सपोज ठीक है सो अभी इससे पहले वाली सिचुएशन में हमारे पास था कि ये जो है बड़ा था राइट क्या बड़ा था हमारा यहां पे आगे सिचुएशन बड़ी हो गई थी वन तक बराबर था टू तक बराबर था फिर क्या हुआ था हमारा फिर हमें देखने को मिला था कि आर्ट जो है बड़ा है फाइव से हम यहां लेस देन कह रहे थे बट अगर मैंने इसको बराबर कर दिया इसको बराबर कर दिया ठीक है इसको बराबर कर दिया और अब मैं कह रहा हूं कि इसके बेसिस पर हम जज ही नहीं कर रहे हैं ठीक है तो ये भी बराबर हो गया तो क्या अभी भी सिचुएशन चेंज हो जाएगी देखते हैं क्या होगा। तो बहुत से मिला तो क्या हम इसके बेसिस पर जजमेंट लेंगे आंसर इज नो हम इसके बेसिस पर जजमेंट नहीं लेंगे ये हमें बराबर दिख गया है तो हम क्या करेंगे हम नेक्स्ट एलिमेंट में चलेंगे सिक्स एंड नाइन उसके बेसिस पर जजमेंट देखेंगे हमने देखा सिक्स जो है छोटा है नाइन से तो अब अब इससे पहले वाले में फोर्थ एलिमेंट से हमने जजमेंट नहीं लिया था हमने थर्ड एलिमेंट से जजमेंट नहीं लिया था बट अब हम फोर्थ एलिमेंट से ले रहे आंसर समझ में आया ट्रू आ गया आंसर इज दैट पॉइंट क्लियर इज दैट पॉइंट क्लियर चलो पर अगर यही सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो आठ आठ ही रहता ठीक है अगर वो आठ आठ ही रहता तो क्या होता देखो अगर पहले वाला आठ ही रहता और नेक्स्ट वाला सिर्फ हमने चेंज किया है है अभी फिलहाल ठीक तो देखते हैं क्या सिचुएशन है भाई तो अब आ गया रीजन क्या भाई वन वन के बराबर है टू टू के बराबर है ठीक है पर अब हमें फोर्थ एलिमेंट पे कंपेयर नहीं करना है हमें वेरिएशन थर्ड एलिमेंट पे ही दिख गया कि भाई एट फाइव से छोटा नहीं है एट फाइव से छोटा नहीं है तो क्योंकि एट फाइव छोटा नहीं है पे ही मुझे मिल गया तो मैं सीधे -सीधे conclude करूंगा कि अनइक्वल है।, सीधे -सीधे है।, तो है, है, है आप ट्रू फॉल्स का आंसर कर सकते हो ठीक है फर्क नहीं पड़ता कि वो इक्वल है कि अनईक्वल है बस देखना क्या है लेंथ इक्वल है क्या है आपको देखना क्या है बस आपको यह देखना है कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो फर्स्ट एलिमेंट से शुरू कर रहे हो फर्स्ट एलिमेंट अगर बराबर है सेकंड एलिमेंट पे चलोगे सेकंड एलिमेंट बराबर है थर्ड एलिमेंट पे चलोगे थर्ड एलिमेंट बराबर है फोर्थ एलिमेंट पे चलोगे पर अगर आपको किसी भी स्टेज पे एक भी एलिमेंट ऐसा दिखता है जो अन है तो सीधे सीधे वहां पे डिसीजन लो ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के बेसिस पे कि क्या आंसर आना चाहिए समझ में आया बढ़िया ठीक है अब आगे जैसे हमने यहाँ पे ये देखा हम इसी में अलग अलग ऑपरेशन उप, और परफॉर्म कर सकते हैं तो आपको वो ग्रेटर देन 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 ग्रेटर इक्वल्स इक्वल्स टू टू लेस लेस और दिखाता हूं ठीक है मतलब अभी तो हमने पूरी जो सिचुएशन है वो लेस देन से समझी ना ग्रेटर देन और लेस देन से भी समझाता हूँ तो सपोज मैं सिंपल से यहाँ कहानी बना लूंगा है ना इसको मैं चेंज कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा वन टू थ्री एंड फोर और ये हो जाएगा मेरा वन टू थ्री एंड फाइव ठीक है वन टू थ्री एंड फाइव बट अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा लेस देन का साइन मतलब राइट वाला ग्रेटर नहीं आएगा लेफ्ट वाला ग्रेटर वाला साइन आ जाएगा इसका एल वन डिलीट कर दिया मैंने गलती से कर्सर के रखने की वजह से ठीक है तो हमने अभी तक राइट वाला ग्रेटर देखा था अब हम लेफ्ट वाला ग्रेटर तो क्या, क्या? को हमने से फर्स्ट एलिमेंट को सॉरी फर्स्ट एलिमेंट वन को वन से कंपेयर किया इक्वल है आगे बढ़ेंगे फिर सेकेंड एलिमेंट टू को टू से कंपेयर किया बराबर है आगे बढ़ेंगे थर्ड एलिमेंट थ्री को थ्री से कंपेयर किया बराबर है आगे बढ़ेंगे फोर्थ एलिमेंट को फाइव से कंपेयर किया हमें दिख रहा है भाई फोर्थ एलिमेंट बड़ा है फाइव से फोर्थ फोर्थ एलिमेंट एलिमेंट बड़ा बड़ा है ये बड़ा है ये से क्योंकि फोर्थ एलिमेंट बड़ा है फाइव से तो आंसर क्या आ जाएगा भाई आंसर फॉल्स हो जाएगा आप कह रहे हो लेफ्ट वाला बड़ा है पर लेफ्ट वाला मुझे दिख रहा है भाई छोटा है फाइव से तो क्योंकि फोर छोटा है फाइव से तो ये आंसर क्या आ गया आंसर आ गया फॉल्स समझ में आया नेक्स्ट यही सिचुएशन हम आगे और देख सकते हैं तो इसी को कॉपी पेस्ट मारूंगा मैं कमेंट आउट करूंगा और नेक्स्ट लाइन में चलेंगे पेस्ट मार दूंगा इसी को अब हम इसमें देखने वाले ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब इसी में अगर मैंने यही सेम सेम ऑपरे सेम वो है बस ऑपरेटर चेंज कर दिया यहां ग्रेटर देन इक्वल्स टू डाल दिया ठीक है ग्रेटर देन इक्वल्स टू डाल दिया तो क्या होगा सिचुएशन ठीक है अब इक्वल तो है ही नहीं तो है ही नहीं तो आंसर क्या हो गया मतलब तो ग्रेटर या मुझे, तो मुझे, क्या मिल गया? मिल गया। मुझे क्योंकि फोर बड़ा है ही नहीं पर अगर इसी में वेरिएशन करके इसी में वेरिएशन करके अगर ये कहूं कि मैं इसको बराबर भी कर दूंगा तब भी देखेंगे और बड़ा कर दूंगा तब भी देखेंगे ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं सबसे पहले तो उसको बराबर करके दिखाता हूं आपको तो सबसे पहले तो मैं उसको बराबर किया फाइव फाइव किया तो भले ही मैं इसको करूं तो भी मुझे देखने को मिलेगा रिजल्ट ट्रू क्यों क्योंकि बराबर है बड़े नहीं है बड़ा नहीं है मतलब फाइव फाइव से बड़ा नहीं है पर बराबर है बराबर तो है ना तो क्योंकि बराबर है तो मुझे देखने को मिल रहा है रिजल्ट अब अगर इसी में इसी में इसी में इसी में मैं एक वेरिएशन और करूं क्या करूं इसी में मैं एक वेरिएशन ये करूं कि मैं अब इस फाइव को बड़ा कर देता हूं ठीक है मतलब मैं इसको एट कर देता हूं तो क्या देखने को मिलेगा तो भी ट्रू देखने को मिलेगा अब इक्वल नहीं है पर बड़ा तो है ना तो वन टू थ्री तक सेम है one, two, तक सेम है लास्ट एलिमेंट देखा विच इज ग्रेटर तो आठ बड़ा है ना बाई फाइव से अब क्योंकि आठ बड़ा है फाइव से तो डेफिनेटली ट्रू आएगा आंसर क्योंकि आठ बड़ा है फाइव से आठ बड़ा है फाइव से, से तो डेफिनेटली ट्रू आएगा आंसर समझ में आया अब जैसे हमने ग्रेटर देन के लिए देखा ग्रेटर टू के लिए देखा ऐसे ही लेस देन के लिए भी देख सकते हैं। वो और देखा तो चलो। तो पहले इक्वालिटी ठीक तो तो है और ये अभी फिलहाल बराबर है ठीक है, 1, 2, 3, 5, बराबर, बराबर है। तो देखते हैं भाई सिचुएशन क्या होगा तो आंसर आ जाएगा ट्रू अब भले ही ये छोटा नहीं है वन वन से छोटा नहीं है टू टू से टू ये ये जो है वाला इस से छोटा नहीं है थ्री थ्री से छोटा नहीं है फाइव फाइव से छोटा नहीं है बट बराबर तो है ना तो यहाँ लेस देन हो या बराबर हो दोनों ही चलेगा क्योंकि मुझे बराबर दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा टू समझ में आया आंसर हो जाएगा टू ठीक है पर अगर इसी में मैं जरा सा सॉरी पर अगर इसी में मैं जरा सा वेरिएशन करके इसको छोटा कर देता हूँ इनकेस तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी भाई ठीक है मतलब इसी में मैं क्या करूँ मैं फर्स्ट एलिमेंट को छोटा कर देता हूँ फाइव से फोर तो देखो क्या देखने को मिलेगा तो क्या छोटा है डेफिनेटली छोटा है फोर वन टू थ्री तक बराबर है पर फोर छोटा है फाइव से तो इसमें आंसर मुझे ट्रू देखने को मिल गया कि फोर बराबर हो या छोटा हो तो मुझे देखने को मिला छोटा तो फिर ट्रू हो गया छोटा है भाई अब इसी के जगह अगर मैंने बड़ा कर दिया होता तो मुझे वो क्या देखने को मिल जाता तो वो मुझे देखने को मिल जाता ट्रू मतलब अगर इसी में फो फोर की जगह फोर की जगह मैं यहाँ क्या कर दूँ मैं यहाँ सिक्स कर दूँ तो देखो क्या होगा सिक्स कर दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा आंसर क्योंकि सिक्स बड़ा नहीं है भाई फाइव से तो फॉल्स आ गया आंसर समझ में आया तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला यहाँ मुझे फॉल्स देखने को मिला इज दैट पॉइंट क्लियर तो आप लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ठीक है या लेस देन ग्रेटर देन सारे यूज कर सकते हो इस तरीके से इंटरचेंजेबली आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको राइट right? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की चीज़ों पर चलते हैं और अब हम देखने वाले हैं एक्चुअली यही पैटर्न तो यही रखेंगे अपन बस ये लिस्ट को खाली कर देंगे अपन ठीक है वी डोंट नीड दिस और एक एक्चुअली मैं भूल गया चलो इसको यहाँ से एम्प्टी मार देते हैं ठीक है ऑपरेटर सेम रहेगा ना ऑपरेटर सेम भी नहीं रहेगा ऑपरेटर भी हम चेंज करेंगे तो इस तरीके से कुछ रहेगा तो सबसे पहले लिस्ट वन डिफाइन करते हैं तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ यही ग्रेटर इक्वल्स टू की कहानी बट 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 विद फ्लोटिंग एंड मतलब um, अभी तक तो हम सेम देख रहे थे इंटीजर इंटीजर देख रहे थे व्हाट इफ इंटीजर फ्लोट करें तो वन टू कॉमर थ्री कॉम फोर कॉमा फाइव यहाँ आ गया और यहाँ क्या आ गया भाई यहां आ गया आ गया तो अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि यार लिस्ट है एक इंटीजर्स की लिस्ट है तो क्या अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं किस सेंस में किसी भी सेंस में मतलब किसी भी सेंस में कंपेयर करता हूं ठीक है मतलब मैं चेक करना चाहता हूं ग्रेटर देन सपोज ग्रेटर देन चेक करना चाहता हूं सारे करके दिखा दूंगा आपको ग्रेटर देन लेस देन है ना ग्रेटर देन चेक करना चाहता हूं पहले तो देखिए क्या आएगा आंसर तो क्या इसमें एरर आएगा तो आंसर इज नो भाई एरर नहीं आएगा आंसर आ जाएगा कि यार ये बड़ा नहीं है ये बराबर है ये बराबर है ये, बराबर है, ये बड़े नहीं है तो फॉल्स आ गया आंसर समझ में आया अब इसी को इसी को इसी को इसी को एक्चुअली में यही इसी में पार बार क्या करना सेम ही तो है ठीक है बस यहाँ ऑपरेटर चेंज करना है आपको ये लेस देन हो जाएगा ठीक है ये एक्चुअली यार ये चलता अपना इक्वल्स टू हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ये हो गया लेस देन टू लेस देन देन तो देखा ग्रेटर टू देखा लेस देन देखा लेट्स सी व्हाट विल आंसर तो देखना ग्रेटर देन में फॉल्स आया सेम एलिमेंट सेम नंबर है

ये लेफ्ट लिस्ट और राइट right लिस्ट बराबर है तो आंसर आ गया ट्रू तो क्योंकि लेफ्ट लिस्ट और राइट right लिस्ट बराबर आ रही है तो आंसर क्या जा रहा है आंसर आ जा रहा है भाई ट्रू समझ में आया सो दिस इज दिनेरियो दिस इज दिचुएशन इस तरीके से आप यूज कर सकते हो ठीक है बट वॉट इफ अगर मैं इसको चेंज करके इनकम्पेरेबल कर दू ठीक है तो वो देखते हैं यार वो कहानी क्या होगी तो इसी को कॉपी करूंगा इसको मैं कट करूंगा और यहां पे आ जाएंगे यहां पेस्ट मारेंगे और अब मैं क्या करने वाला हूं नेक्स्ट ये जो सेकेंड वाली लिस्ट है ना इसको चेंज करूँगा और इसको अब हम बनाने वाले कुछ चेंज करके नए टाइप के नंबर्स मतलब अब मैं चाह रहा हूं कि मैं डालू यहां पे स्ट्रिंग वच इज वन जैसे हमने वहां डाली थी ठीक है यहां डालू स्ट्रिंग वच इज टू यहां डालू स्ट्रिंग वच इज थ्री यहां डालू स्ट्रिंग वच इज फोर यहां डालू स्ट्रिंग वच इज

इनकमपेरेबल में कहा गई कहा गई कहां गई incomparable देखी मुझे क्या देखने को मिलता? ये, ये इनकमपेरेबल देखी तो मुझे मुझे तो यहां पर भी होगा कि अब वन क्योंकि वन से बड़ा नहीं है टू टू से बड़ा नहीं है थ्री थ्री से बड़ा नहीं फोर फोर फो से बड़ा नहीं है फाइव फाइव फा, से बड़ा नहीं है बराबर है तो इन दोनों का आंसर आ जाना चाहिए मतलब ये जो ये जो लास्ट फर्स्ट दो ऑपरेशन इनका आ जाना चाहिए आंसर फॉल्स ठीक है क्योंकि मैं इनको कंपेयर ही सॉरी इसका आंसर आ चाहिए ट्रू क्योंकि मैं इनको कंपेयर ही नहीं कर सकता ठीक है और इसका आंसर आ जाना चाहिए इसका आंसर आ जाना चाहिए फॉल्स क्योंकि मैं इसको कंपेयर uh, कर भी सकता हूं ठीक है कंपेयर सही कंपेयर नहीं कर सकता हूं पर बराबर बराबर तो है बराबर का ऑपरेशन तो लगा बट कंपेयर नहीं कर सकता तो क्या आंसर आना चाहिए तो देखिएगा भाई बहुत एब्रप्ट आंसर आएगा एब्रप्ट आंसर कैसे आएगा भाई आपको एरर देखने को मिल जाएगा

यहां क्या हो गया सिचुएशन तो भाई यहां पर भी वही सिचुएशन आपको यहां पर सर इक्वल टू तो है ना नहीं भाई इक्वल्स टू की कहानी नहीं है जैसे ग्रेटर देन लेस देन आया इन्वॉल्व हुआ आपको एरर देखने को मिलेगा तो यहां पर भी टाइप एरर आ गया एरर भी क्या है देखो टाइप एरर है ठीक है कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंट एंड स्ट्रिंग जैसे आपने यहां देखा वही लास्ट वाले में भी देखने को मिलेगा कि इसमें भी आपको एरर देखने को मिलेगा क्या वही सेम चीज कि लेस देन और इक्वल टू इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेज इंट एंड स्ट्रिंग समझ में आया आई होप दिस इज क्लियर अच्छा इसका एरर भी कॉपी कर लेता हूं क्या एरर है टाइप एरर है। ठीक है तो ये पूरा कॉपी मार दी मैंने ठीक है? और जिस को, को इस को नोट कर लीजिएगा दोनों को विच इज क्या है एरर देते हैं भाई आपको समझ माया। पर में आया इससे पहले वाले में इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू में नहीं आते अब इसी को कॉपी करूंगा और इसी में मैं थोड़ी सी वेरिएशन और बस एक करूंगा ठीक है और फिर चीजें हम समझेंगे और कंक्लूड करेंगे अब यही अगेन वही इसी में चेंज मार रहा हूं मैं वापस से ठीक है अब यहां पे मैं हर एलिमेंट लिस्ट पास कर रहा वन कॉमा टू कॉमा थ्री मा फोर so like लाइक ठीक है अब इसमें भी देखो क्या देखने को मिलेगा इसमें भी सेम कहानी देखने को मिलेगी एरर पर अब इंटेजर और स्ट्रिंग के बीच में नहीं अब इंटेजर और लिस्ट के बीच में तो भाई इंटेजर और लिस्ट के बीच में भी यही देखने को मिलेगा कि आपका एरर आ रहा है विच इस टाइप एरर मतलब सेम एरर वापस यही सेम एरर वापस देखने को मिल रहा है भाई आपको ठीक है नहीं नहीं सॉरी सॉरी वहाँ पे तो स्ट्रिंग आ जाएगा उसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाए सॉरी डी बात से इसका डी बाकिंग मैंने क्लोज़ किया इसको क्लोज़ किया और वापस आ गए अपन इसको बंद भी कर दिया पर डी वाक नहीं करना भाई हमें हमें नॉर्मल रनिंग करनी है तो हमें देखने को मिलेगा एरर बट अब एरर एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है बस यहाँ पर लेस्ट है एयर एंटेजर के बजाय यहाँ पे सही स्ट्रिंग के बजाय यहाँ पे लेस्ट राइट तो एरर तो है एरर तो है पर अब जो है वो एरर क्या है वो एरर लिस्ट की राइट और लिस्ट के, right? के बीच में वही एरर कुछ आपको आगे भी देखने को मिलेगी देखो इसमें भी वही है लेस देन के लिए भी वही कहानी ठीक है टाइप एरर जैसे लेस देन के लिए वैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए भी होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए भी वही एरर स्ट्रिंग के बीच सही लिस्ट के बीच में टाइप एरर ठीक है अब जैसे ये है वैसे ही लेस देन इक्वल्स टू के लिए भी होगी

पर जब यही कहानी आपकी लेस मतलब इक्वल्स 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 टू टू नॉट टू में आती है तो जब वो इनकम्पेरेबल ऑब्जेक्ट्स है तो जब आप दो इनकम्पेरेबल ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हो इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऑपरेटर से तो क्योंकि वो इनकम्पेरेबल है तो एरर नहीं आएगा आप पा जाएगा कि इक्वल हो ही नहीं सकते इनकम्पेरेबल है और इक्वल हो ही नहीं सकते ठीक है ऐसे नॉट इक्वल्स टू में आ जाएगा ट्रू की इक्वल हो ही नहीं सकते आंसर आगे ट्रू पर यही अगर आप इनकम्पेरेबल में क्या क्या आ सकता है लिस्ट आ सकता है स्ट्रिंग आ सकता है बट अगर यही में इंट को फ्लोट से कंपेयर करोगे तो यार बिल्कुल कंपेयर हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा प्रॉपर्ली जो होता है ठीक है आई होप यहां तक आपने चीजें समझ ली होंगी और आपको क्लियर हो गई होंगी होंगे ठीक है तो प्रॉपर मैंने आपको कंपेरिजन ऑफ लिस्ट क्लियर कर दिया डिटेल में ठीक है तो इसमें आई होप कोई डाउट बचने का सवाल ही नहीं है राइट आई होप ये आपको पूरा जो है कंपेरिजन ऑफ लिस्ट क्लियर हो गया होगा ऑल दो हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुए चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे और वीडियो करते हैं कंप्लीट ठीक है चलिए आई होप कि आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा ये कंपेरिजन कैसे आप को कंपेयर कर सकते हो गलती मत करना क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस कंपेरिजन से रिलेटेड तो गलतियां मत करिएगा डिटेल में हर पॉसिबिलिटी मैंने आपको दिखा दी समझा दिए ठीक है तो गलती नहीं चाहिए आप ठीक है

कंप्यूटर साइंस सर्च करो इस पूरी लिस्ट में से कंप्यूटर साइंस सर्च किया वॉच क्लिक किया तो ये इसके सारे कोर्सेज मतलब सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज किसी भी आप चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो उसकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो वो वीडियो प्ले हो जाएगी इसमें प्ले पॉज का आगे पीछे का स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन जो पे होते हैं एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स विच इज यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन बहुत है एड्स वगैरह आते हैं इधर उधर की चीजें हैं यहां सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नो डिस्टर्बेंस साथ में वहां चीजें थोड़ी सी स्कैटर्ड है ऑर्गेनाइज्ड है हमने पूरी कोशिश करी ऑर्गेनाइज करने की बट वहां थोड़ी सी लिमिटेशन यूट्यूब की तरफ से यहां प्रॉपरली सब चीजें ऑर्गेनाइज है बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है तो यार इसको विजिट करो ना और ये मत सोचना ये पेड है फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है बाकी के तरीके से नहीं है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है इसको विजिट करिए कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है और गई अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं ये कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो अच्छी लगती है ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है तो हमारे साथ यानी कि मार्गेट से जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए, लिए किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी वैसे इसी तरीके से बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच